देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाय हाय। तिवारी जी, है? तिवारी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं घर की तरफ जा रहे थे। आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं भी घर ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन घर तो इस तरफ है ना? आप गलत जगह जा रहे हैं। आप किसी की तलाश कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है? हाँ, एक गुंडा आने वाला है आपकी तोड़ाई करने। जी नहीं, हम देखा गर्मी बहुत तोड़ाई कर रही है ना भभूति जी, क्या करें? आप अपना ख्याल रखिएगा वरना बीमार हो सकते हैं। भयानक तोड़ाई, आई लाइक इट। आप फिक्र करने का बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, थैंक यू सो मच। क्या आप भी किसी की तलाश कर रहे हैं? कोई आने वाला है क्या? हाँ, कोई सूतने आने वाला है आपको। है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ये गर्मी जो है जानलेवा हो सकती है। जानलेवा, आई लाइक इट। जानलेवा गर्मी के बजाय जानलेवा हमला होगा तुझ पर। लेकिन साला हमारा गुंडा कहाँ रह गया बे? आया कहाँ नहीं अब तक? अरे यार, ये मेरा वाला गुंडा कहाँ रह गया? कहीं साला कमबख्त पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? I like it. तिवारी जी, आपको चोट वोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, आई आई कोई चोट वोट नहीं आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी जान बचाई। साला भभूतिया सक्सेना के सामने हीरो बन गया, इसने भी गुंडे को पैसे दिए हैं, ये हमारा गुंडा कहाँ रह गया? आप ठीक है? फाइन, परफेक्ट, ऑल राइट। आई एम सो हैप्पी तिवारी जी। कोई आप तो ठीक है? नहीं, अभी तो सब ठीक ही है। ओके, या दैट्स मी। या यू? या एक और गुंडा, आई लाइक इट। क्या पब्ली, चोट वोट तो नहीं आई? सब ठीक है? I'm fine, I'm perfect. चलिए। सो प्रेडिक्टेबल कच्चे बनियान, मेरा पैतरा मुझ पे ही आजमा रहा है। बेटा पॉइंट्स ले गया सक्सेना से तू। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। आपने हमारी जान बचाई, हमने आपकी जान बचाई। हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी नहीं, हिंदी हिंदी भाई भाई। अबे राजू तुम, अबे बिरजू तुम, अबे साले हमारी मेहरारू भाग करके तुम्हारे पास गई और तुम साले उसको ये है? अरे भैया, हमको तुम्हारी मेहरारू से शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। जब से उससे शादी हुई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। भाई एक काम करो ना, आज अभी अपनी मेहरारू को घर से लेके जाओ। रेट कर दे, तो दे, उठ नहीं पा रहा हूँ। अबे खुद नहीं उठ पा रहे हैं। उठ जा, चल 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 चल। वाओ। भाई माँ प्रणाम। अरे खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माँ दरअसल मुझे बहुत जोरों की शूक लगी है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस लैंप से झटके खाकर अपनी शूक मिटा सकता हूँ? हाँ प्लीज गो अहेड। थैंक यू भाई माँ, थैंक यू सो मच। I like it. दियो। अरे प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए खुश रहिए। तुम्हारा पेट भर गया बिटुआ? जी हाँ भाई माँ, मुझे बहुत जोर की शूक आ रही थी,
मेरे शोक मिट गए। I like it. Very good. Hello अनीता जी। अरे हेलो सखी अंगूरी जी। आइए आइए बैठिए। हमरी सखी अनीता जी कैसे बा? सखी अंगूरी जी मैं एकदम अच्छी हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? उका है ना सखी अनीता जी कि हम आपको ई देने आए हैं। क्या है इसमें? इसमें ना ई सोने के कंगन हम आपको भेंट देना चाहते हैं। सोने के कंगन? सखी अंगूरी जी ये तो बहुत महंगे होंगे। आप इतने महंगे कंगन मुझे क्यों देना चाहती हैं? कहा है ना कि ई कंगन आप देसी सर्व करती हैं। आप डिजर्व कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? सही पकड़े हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए भेंट है सखी अनीता जी। हाँ थैंक यू सखी अंगूरी जी, लेकिन इतनी महंगी भेंट मैं आपसे कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? आप भी ना ही लेंगी? बहुत महंगे हैं। हाय दिया अनीता जी, हमारी सखी अनीता जी, हम तो ये सोचे थे कि आपका और भरभूति जी का भाग खुल जाएगा ये कंगन पाकर, लेकिन आप तो शायद हमको अपना मानते ही नहीं हैं। चलिए चलते हैं। अरे अरे नहीं नहीं बैठिए अंगूरी जी, अब ऐसे मत जाइए, कंगन से कैसे भाग खुल सकते हैं? हाय दिया अनीता जी, ये कोनो साधारण सोने के कंगन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो आज हम आपको बताते हैं। कहा है ना कि हमारे डैडू चुंबक में धागा बांधकर गंगा नदी में डालते थे मछली पकड़ने के लिए। नहीं नहीं हमरे बिटुआ, सिक्का निकालने के लिए। उन दिनों ना हमारे डैडू का जो आर्थिक हालत था ना वो कुछ ठीक ना ही था, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो सिक्के निकालने के लिए वो ऐसा करते थे। तो एक दिन जब वो ये कर रहे थे तो ना चुंबक में सोने का टुकड़ा आ गया। और उस सोने का टुकड़े से ना हमारे डैडू ही कंगन बनवाए और हमको दे दिया। आप लोग तो जानते हैं ना वो हमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ई कंगन पाने के बाद हमारे डैडू जो तरक्की किए हैं हम बता ना ही सकते आपको। वाकई में ये कंगन तो बहुत लकी है। आई के लिए तो हमारी सखी अनीता जी ये हम आपको देना चाहते हैं। का है कि का होगा ना इससे कि ये जो भरभूति जी नल्ले बैठे रहते हैं कछु काम ना ही करते, उनको कछु काम धंधा मिल जाएगा और आपका स्मूचिंग क्लासेस भी बहुत अच्छा चल निकलेगा। मेरी ग्रूमिंग क्लासेस हैं। ऐसे ही पकड़े हैं ये लीजिए। अगर मैंने आपसे एक कंगन ले लिए तो सक्सेना जी आपको अच्छे पड़ोसी होने के लिए ज्यादा पॉइंट्स दे देंगे। गॉड कैसे अवॉइड करूं? अनीता भाभी मां ज्यादा मत सोचिए, देखिए ना अंगूरी भाभी माँ आपके और विभूति भैया के लक के बारे में कितना सोच रही है। अंगूरी भाभी माँ की सोच को शक की निगाह से मत देखिए। और मैं तो दिल से कहूंगा अंगूरी भाभी माँ आपकी सोच को सलाम, आपके मन में पड़ोसियों के लिए जो जज्बात हैं उन जज्बात को सलाम। आई लाइक इट। ई लीजिए आज से हमरा लक आपका हुआ। अरे बौड़म औरत हम क्या करें तुम्हारा, क्या जरूरत थी भाभी जी को इतने महंगे सोने के कंगन देने की? वो कहा है कि हम अच्छा पड़ोसी बनने के चक्कर में एक्सपायर्ड हो गए थे। एक्सपायर्ड तो तुम हमें कर दोगी इतनी दान दक्षिणा देके, क्या तुम एक्साइटेड कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या जरूरत है इतना एक्साइटेड होने की, गलत पकड़ी हो। वो भी तो हमको अनीता जी भी तो अपनी मिम्मी का साड़ी दी रही ना। अरे पगली साड़ी और कंगन में जमीन आसमान का अंतर है। साड़ी से ज्यादा कितने कितने की होगी? 25-30 हजार रुपए की, और तुम 1-2 लाख के कंगन भाभी जी को दान में दे आई। रुको हम देखते हैं। अरे जी प्रणाम, आप यहां कायम मर रहे हैं? मुझसे बदतमीजी से पेश आने से पहले मेरे पीछे देख लीजिए कौन बैठा है। आपके फूफा बैठे हैं। अरे महोदय महोदय आइए आइए पधारिए, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अंगूरी आओ तनिक देखो तो सही कौन आए हैं। कौन आए हैं? भाभी जी प्रणाम प्रणाम। नमस्ते प्रणाम के सिंबा। मैं ठीक हूँ भाभी जी, बस कर्म ऊपर वाले का। अब कहिए आखिर इतनी रात को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आप इस गरीब के द्वारे आए? आप गरीब कहाँ हैं,
गरीब तो हम हैं। नहीं सो तो है जी, हमने कहा कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। एक्चुअली क्या है कि मुझे 20,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। आई नीड 20,000 अर्जेंटली। 20,000? वो क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, तो हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है। अच्छा जी जी जी। पहले लाख रुपए वाले सोने के कंगन और अब 20,000 रुपए, लूट मची है क्या बे? तिवारी जी, इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। भाई अगर आप ना देना चाह रहे हो मुझे पैसे, या फिर आपके पास पैसे ना हो, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, प्लीज डोंट फील गिल्टी। मैं किसी और का दरवाजा खटखटा दूंगा। क्या है कि हमारा तो बड़ा फ्रेंडली नेबरहुड है, मुझे लगा कि पहला मौका मुझे आपको देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं चलता हूँ, मैं क्यों हो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे ऐसे काहे कर रहे हैं आप जनाब? आप हमारे द्वारे आए और खाली हाथ जाएंगे, ऐसे तो हालात नहीं। आखिर हम आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएगा। लेके आए 20,000 रुपये लेके आते हैं। आप ना बिल्कुल भी चिंता ना ही कीजिए कोनो बात का, सब ठीक हो जाएगा, आपका दोस्त भी। भाभी जी थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। क्या बोले भाई? तिवारी जी पैसे लेके आ गए। लीजिए 20,000 रुपए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लाइक इट, थैंक यू सो मच। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं, बिकॉज एक्चुअली ले दे के मेरे पास एक ही मुंह है, तो उसी से कर देता हूं आपका शुक्रिया। बस सही समय पर लौटा दीजिएगा और इसी मुंह से लौटाइएगा। देखिए क्या है कि आपने सही कहा, जो सही समय होगा उसका समय भी हम ही डिसाइड करेंगे, ठीक है? ठीक बा ठीक बा, और कभी जरूरत हो तो मांग लीजिए, अब बहुत दबा कर रखे। डोंट वरी भाभी जी, पहला मौका मैं इन्हीं को दूंगा। चलता हूं। प्रणाम प्रणाम, आते रहिएगा जनाब। ₹18,500, ₹19,000, ₹19,500 और ये 20,000। क्या बात है चाच, हमने तिवारी जी से 20,000 रुपए हथियार लिए। मेरे पैतरे अपनाता रहेगा ना तो बहुत जल्दी माला माल हो जाएगा। चाचा आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा, ये 20 करोड़ आपने कैसे इकट्ठा किया मुझे मालूम पड़ा। दिमाग खराब हो रहा है तेरा? 20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है यार, मेरी मेहनत की कमाई है वो। जो पैतरे आपने मुझे सिखाए हैं उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। अगर हम चाच तिवारी जी से ऐसे ही धीरे धीरे पैसे ऐंठते रहे तो एक दिन वो तंग आके हमसे बदतमीजी कर लेगा, और ये जो अपना पगलेट सक्सेना है उसको गेम में 0 नंबर देगा। राइट। रॉन्ग। रॉन्ग तो है चाच, लेकिन क्या है कि गेम में एवरीथिंग इज फेयर। बस अन्नू को नहीं मालूम चलना चाहिए, वरना वो रायता फैला ही देगी। अन्नू को पता लग गया है। मॉमी। डिस्कस्टिंग। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। माना कि गुड नेबर बनने के लिए हम सब थोड़ा ओवर कर रहे हैं, बट डजंट मीन कि आप लोग ऐसे बेवकूफ बनाकर तिवारी जी को उनसे पैसे लूटो। ये तो सरासर बेईमानी है, छिछोरगिरी है। ये छिछोरगिरी मुझे इन्होंने सिखाई है। तू क्या है? चाचा जी प्लीज, विभु को ये सब मत सिखाइए। विभु तुम तो कम से कम सोचो, क्या कभी तिवारी जी और अंगूरी जी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे छिछोरगिरी? और अंगूरी जी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ सपने में भी कि वो कभी ऐसे नीचे गिर सकती हैं। No, no, she can't do this. And you? What are you doing? अनीता जी, हाय अनीता जी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ अंगूरी जी? हेलो अनीता जी, हमको ना अचानक से बहुत ही डिटर्जेंट प्रॉब्लम आ गया है। अभी जी वो अर्जेंट प्रॉब्लम कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि हमको 25,000 का सख्त जरूरत है, हमको दे दीजिए प्लीज। अरे लेकिन हुआ क्या है बहू? उडैडू जब से बैंकॉक से लौटे हैं ना, उनका तबीयत बहुत ही खराब है, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए। प्लीज विभो, ये पैसे ना तुम्हारे पास, ये अंगूरी जी को दे दो। जब से तेरे डैडू बैंकॉक से आए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बैंकॉक में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है ना।
उनका शरीर झेल नहीं पाया, जवाब दे गया। हाँ चाचा जी, वो नया खेती सीखने गए थे वहाँ। भाभी जी ये लीजिए और चले जाइए बूढ़े अंकल के पास, इससे पहले कि वो चले जाए। थैंक यू भरभूति जी। पूरे 20,000 है भाभी जी। 20 है? तो 5,000 कम है ना। अब एक मिनट, मेरे पास है। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू भरभूति जी। प्रणाम करे चाचा जी। खुश रहे, खुश रहे। आई लाइक इट। अरे सक्सेना सक्सेना, रुको रुको। शांत शांत, आई लाइक इट। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। वो मैंने जितने भी गुड नेबर्स के डेटा एनालिसिस पॉइंट्स फीडबैक्स नोट किए थे ना, उनको मैंने उंगली करके इस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया है। यू कैन चेक। वेरी गुड सक्सेना, तुम तो जीनियस हो मेरे भाई। थैंक यू। लेकिन क्या है ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्हाट? रिलैक्स रिलैक्स भाई। देखो जो मेरे सीनियर है ना, उन्होंने ये गुड नेबर कॉन्सेप्ट का ड्रामा वो हटा दिया है। अब जब हटा ही दिया है तो पब्लिक क्यों देखने जाएगी भाई? अब पब्लिक को तो क्या चाहिए, ड्रामा एक्शन यही सब तो चाहिए होता है। मुझे क्या करना है ये बता। देखो सक्सेना, तुमको अभी गुड नेबर ढूंढना बंद करना है, हैं? और सीधा बैड नेबर ढूंढना शुरू कर दो, ताकि हमारी ऑडियंस है ना वो देखने आए। तुम्हारे सुपीरियर्स ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। डोंट वरी बॉस, अब मैं बैड नेबर्स को तलाश करूंगा, बिकॉज आई एम अ बैड मैड मैन। आई लाइक इट। बेब्स, ये लो तुम्हारी कॉफी एंड योर सैंडविच। तुम तो पसीने से शराब हो रही हो यार, मैं पंखा चालू कर देता हूँ। या प्लीज डू दैट, मैं भी तो देखूं ये मिरेकल तुम कैसे करते हो। आपका जड़ों बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सुन बहू, तू एसी क्यों नहीं लगवा लेती यार, बहुत गर्मी हो रही है, कह रहा हूं ना बहू। ये बता, मैं आप लोगों की झूठ और बेईमानी का नतीजा मुझे ऐसे गर्मी में रहकर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कल जो 5,000 रुपए मैंने अंगूरी जी को दिया ना, वो बिजली का बिल भरने के थे, वो भरा नहीं गया और बिजली काट दी गई। समझ में नहीं आ रहा ना, आप दोनों लोगों का क्या करूं मैं। पगली, हमारी सब समझ में आ गया है कि अच्छा खेल खेलने की आड़ में ये भभूतिया हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। अब मतबल की भरभूति जी आपके साथ बीटिंग कर रहे हैं। अरे बीटिंग जैसा काम तो उसने किया है, शायद तुम चीटिंग कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन कहा बताए लड्डू के भैया, ऐसे अर्डेडू के नाम से पैसे लेने जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अर्डेडू के नाम से पैसे लेने जाना हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे पगली, खेल खेलने के जरूरी होता है कि सामने वाली पार्टी जैसे हथकंडे अपनाए ना, हमें भी वैसे ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब सामने वाला हमसे बेईमानी करेगा तो हमें भी तो थोड़ा बहुत झूठ और बेईमानी का सहारा लेना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। बेबी, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद ना हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, ना कोई फ्रॉड करेंगे। I'm sorry, चाच से सॉरी। I'm sorry बहू, लेकिन सुन एसी लगवा ले तू। हाँ चाचा जी, लेकिन एसी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे हाँ, आपके वाली टेक्निक यूज करते हैं ना, तिवारी जी को बेवकूफ बनाकर उनसे एसी के लिए पैसे लूट लेते हैं। क्या बोलते हैं, हाउ इज द आइडिया?
इट्स अ ग्रेट आइडिया, बुल्जाई मैन। व्हाट एन आइडिया, सीरियसली डिस्गस्टिंग। बेबी सैंडविच खा रही हो? छूना मत तुम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों के जीवन की बदलने वाली है चाल। मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का बादशाह रिपोर्टर लेकर आया हूं सनसनीखेज खबर। जाने माने ओटीटी एंटरटेनमेंट चैनल कुकुरुकु ने अपना इरादा बदल दिया है। अब से सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर मिस्टर अनोखीलाल सक्सेना करने जा रहे हैं बैड नेबर की खोज। जो पड़ोसी होने के नाम पे धब्बा है, जो पड़ोसी गिरने की सारी सीमाएं लांग चुके हैं, प्राइज मनी है सेम, और भी मसालेदार होने वाला है गेम।